जो इस गोलीकांड में जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है या जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखा है और उनका उपचार चल रहा है, घटना के तत्काल बाद जानकारी मिलने पर मैंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को इस पूरे घटना का अनुसरण करने और इस पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब तक ग्राम प्रधान समेत 29 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 असले बरामद हुए हैं, जिसमें एक सिंगल बैरल का, 3 डबल बैरल का और एक राइफल के साथ ही 14 ट्रैक्टर भी बरामद हुए हैं। ये पूरी घटना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी तो इस सोनभद्र जनपद के अंदर यहाँ के जनजातीय समुदाय के हकों को छीनने का आज़ादी के बाद से किस प्रकार से एक सुनियोजित साजिश के तहत उनके हकों से उन्हें वंचित करने की साजिश को भी हम सब के सामने इस रूप में प्रस्तुत करता है। इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरतने के लिए जिम्मेदार उप जिलाधिकारी घोरावल, डिप्टी एसपी घोरावल, इंस्पेक्टर थाना घोरावल, सब इंस्पेक्टर समेत जो वहां के जिम्मेदार कांस्टेबल थे, इन सब के निलंबन की कार्रवाई पहले ही शासन कर चुकी है। साथ ही साथ सरकार ने उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, प्रारंभिक रूप में 5 लाख रुपए की सहायता और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता अब तक उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री राहत कोष और समाज कल्याण विभाग के द्वारा SC ST से संबंधित मामलों में जो सहायता दी जाती है, उन सबको लेकर के सरकार लगभग 18.5 लाख रुपए मृतक परिवारजनों को और घायलों को 2.5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराने के मैंने आज निर्देश दिए हैं और प्रशासन ने 1-2 दिन के अंदर इस राशि को उन पीड़ित परिवारों को उपलब्ध भी करा देगी। इसके साथ ही आज मैं जब ओंबा गांव में गया था, मूर्तिया में भी गया हूं, हॉस्पिटल में भी मैंने पीड़ितों से मिलकर के उनका हालचाल लिया है। तो स्वाभाविक रूप से ग्राम प्रधान और उनके वहां पर दबंगई की गांव के लोगों ने काफी शिकायत की है। हमने वहां पर तत्काल एक पुलिस चौकी खोलने का भी निर्णय लिया है कि वहां पर एक पुलिस चौकी खोली जाए। वैसे भी घोरावल से 35 किलोमीटर दूर वे गांव पड़ते हैं, थाने की दूरी काफी होने के नाते पुलिस चौकी वहां पर खोली जाए। साथ ही किसी भी प्रकार के अग्निकांड की घटना के समय में फायर टेंडर को पहुंचने में बहुत देर यहां से लगती है। स्वयं बाई रोड अगर आप जाएंगे तो 2.5 से 3 घंटे में आप उन क्षेत्रों में पहुंच पाएंगे। तो एक फायर टेंडर अग्निशमन केंद्र घोरावल के लिए भी आज ही स्वीकृत करते हुए उस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश जारी किए हैं। इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार जो भी लोग रहे हैं, उन सब के खिलाफ पहले से ही विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस पर बहुत सघन कार्रवाई सरकार करने जा रही है।
हम लोगों ने घटना के तत्काल बाद आयुक्त मिर्जापुर मंडल, विंध्याचल मंडल और एडीजी वाराणसी जोन, इन दोनों के एक टीम बना करके इस पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की गई है। मुख्य रूप से इस घटना की जो तह है, यह बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश के साथ साथ गुंडागर्दी का भी एक उदाहरण है। इस घटना की नींव पड़ती है 1955 में, और 1955 में जब ग्राम समाज की बंजड़ भूमि, जो वहाँ के वनवासियों को, गौड़ जाति के लोग जिस पर परंपरागत खेती करते थे, उस भूमि को एक पब्लिक ट्रस्ट के नाम पर कांग्रेस के एक उस समय के एमएलसी, राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के थे, उनके नाम पर कर दिया जाता है। पब्लिक ट्रस्ट के नाम पर बंजर भूमि को करना, और दूसरा वही पब्लिक ट्रस्ट की भूमि 1955 में जो ग्राम पंचायत की बंजर भूमि थी उसे पब्लिक ट्रस्ट के नाम पे करना, और 1989 में कांग्रेस की ही सरकार के समय इस पब्लिक ट्रस्ट की भूमि को उस पूरे ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए जितने भी उनके मेंबर थे उनके स्वयं के परिवारों के नाम पर कर दिया गया, और विवाद की जड़ यहीं से शुरू होती है। कांग्रेस जो इसमें घड़ियाली आंसू बहा रही है, उसे माफी मांगनी चाहिए इन गरीब वनवासी परिवारों से कि ये जो पाप है ये उनकी ही द्वारा दिया गया पाप है और उनका ही पाप कर्म है, जिसके कारण यहाँ पर निर्दोष ग्रामीण और जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए वनवासी लोग गोलीकांड के शिकार हो रहे हैं। ग्राम पंचायत की अगर ये भूमि ग्राम पंचायत के नाम पर होती तो उसका पट्टा आसानी से उन वनवासी समुदाय के, गौड़ समुदाय से जुड़े हुए लोगों को प्राप्त हो सकती थी। लेकिन ये तो एक अभी उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिसके लिए हम एक बड़ी कमेटी गठित करने जा रहे हैं। यद्यपि इस प्रकरण के लिए भी हमने एक कमेटी गठित की है, और 1955 और 1989 दोनों समय में ये कार्य, गलत कार्य किए गए हैं, और इसी की जांच करने के लिए हमने अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जिसमें प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन तथा आयुक्त विंध्याचल मंडल को भी उस समिति में रखा गया है कि वह 1955 में गांव की बंजर भूमि कैसे आदर्श सोसाइटी के नाम पर हो जाती है, 1989 में कैसे सोसाइटी की भूमि कुछ लोगों के नाम पर हो जाती है, और 2017 में उस भूमि को कैसे फिर कुछ चंद लोगों ने ग्राम प्रधान के नाम पर कर दिया। इसमें एक पात्र वे लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जिन्होंने यहाँ के गरीब आदिवासियों के हकों पर डकैती आजादी के तत्काल बाद डालने का प्रयास किया था। एक कांग्रेस का यह विकृत चेहरा दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी विरोधी चेहरा, जो ये सब के सामने आना आवश्यक है, और इसकी जांच के लिए कमेटी हम लोगों ने गठित की है। कमेटी 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देने जा रही है, और सरकार इसमें किसी भी व्यक्ति को जो इन सब घटनाओं और इन गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले हैं, किसी को बख्शने वाली नहीं है, सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगी। दूसरा, यज्ञदत्त जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, वह समाजवादी पार्टी का एक
कार्यकर्ता है और समाजवादी पार्टी की सक्रिय भूमिका समाजवादी पार्टी के लिए वह निर्वहन करता है। ये लोग किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करते रहे हैं, यह विगत 5 वर्षों में 2012 से 2017 के बीच प्रदेश की जनता ने देखा है। और मुझे लगता है कि जब अपनी मंशा में वह सफल नहीं हो पाया, उसने घटना को अंजाम दिया, लेकिन उसके खिलाफ भी हम प्रभावी कार्रवाई कर चुके हैं और ऐसे सभी अपराधियों को जिन्होंने गरीबों की, वनवासियों की, दलितों की, वंचितों की भूमि पर अवैध और अनैतिक तरीके से काबिज हुए हैं, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स ऐसे लोगों के खिलाफ ही हम लोग गठित किए हैं। सोनभद्र और मिर्जापुर से जुड़े हुए मामलों की इतनी गंभीरता से जानकारी न होने के नाते हम लोग इस मामले में सामान्य मानते थे, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया इसमें ज्यादा है। लेकिन भारत का नेपाल से सटा हुआ वह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है, इसमें बहुत सारे ऐसे वन्य गांव हैं जिन्हें आजादी के बाद 34 गांवों को तो हमने अपने सामने, मैंने पिछले 2 वर्ष के दौरान उन्हें राजस्व गांव का दर्जा देकर के और वहां के गांव के लोगों को जमीन का पट्टा भी उपलब्ध करवाया है। पहली बार वहां सड़क बनी, पहली बार उन लोगों के लिए बिजली आई, पहली बार वहां स्कूल खुल रहे हैं, पहली बार वहां पर आवास बन रहे हैं, पहली बार उन्हें राशन कार्ड मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर राजस्व गांव होने के बावजूद 1952 से जो षड्यंत्र कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने प्रारंभ किए थे, उसकी कड़ी आगे बढ़ती गई और निरंतर आगे बढ़ती गई, जिसका दुष्परिणाम सामने आया। और अवसरवादी राजनीति के जो खिलाड़ी होते हैं, उसी में वहां का ग्राम प्रधान स्वयं समाजवादी पार्टी में, उसका भाई बहुजन समाजवादी पार्टी में, इन दोनों किरदारों की भूमिका भी अगर आप देखेंगे बड़ी अजीब है। जो भी पार्टी उनको लगता है कि वर्चस्व में रहेगी, उसी के अनुसार ये लोग फिर अपना खेल खेलने का प्रयास करते हैं। इस मामले में जो भी अपराधी होंगे, इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत इन्हें निरुद्ध करने की कार्रवाई भी होगी और साथ ही साथ समयबद्ध ढंग से इस पूरे मामले की पैरवी करते हुए उन्हें सजा के अंजाम तक पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का यह नेता जो ग्राम प्रधान के रूप में वहां पर अपनी दबंगई के बल पर जिसने गुंडागर्दी की है और इस प्रकार का गोलीकांड को अंजाम दिया है, यह व्यक्ति उस पूरे मामले में, यानी जो विवादित भूमि है उस भूमि के बाहर भी गौड़ जाति से जुड़े हुए, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए उन लोगों की अपने स्वयं की भूमि पर भी, उनकी भूमि पर भी कब्जा करने का प्रयास किया। ये घटना वहां पर हुई है और इससे इस पूरे प्रकरण की जांच हम लोग इस पर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ ओम्बा की घटना के लिए जो भी इस मामले में, तमाम मामले पुलिस के पास भी आए हैं, इसमें दोनों ओर आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए। बहुत सारे प्रकरण ऐसे आए हैं जिसमें गरीब लोगों पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के ग्राम प्रधान और उनसे जुड़े हुए लोगों पर फाइनल रिपोर्ट लगाने का कार्य किया गया है। हमने इसके लिए एडीजी वाराणसी जॉन को इस पूरे मामले की जांच करके इसकी रिपोर्ट भी सबमिट करने के लिए कहा है, जिससे उन सभी लोगों को भी जिन्होंने यूनिफॉर्म में रह करके गरीबों पर अत्याचार किया, वंचितों पर अत्याचार किया, उन वनवासी समुदाय से जुड़े हुए, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए उन सभी समुदायों के हकों पर न केवल डकैती डालने का कार्य किया है, अपितु
उनको झूठे आपराधिक मामलों में भी अभियुक्त बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। इस पूरे मामले की भी जांच हम लोग करेंगे और इसमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है। इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं और उन तथ्यों के आधार पर हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। यद्यपि हम लोग पहले भी इस बारे में कह चुके हैं और मैंने विगत वर्ष ही जब मैं यहाँ पर सोनभद्र के दौरे पर आया था तब भी मैंने इस बारे में कहा था। उससे पहले भी जब वन्य गांवों को राजस्व गांवों के रूप में मान्यता देने की कार्रवाई हमारी सरकार ने तय की थी तब भी हम लोगों ने इस बारे में व्यवस्था की थी कि उन सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर वे लोग नहीं आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने की व्यवस्था। और मैंने जिलाधिकारी सोनभद्र से इस बारे में कहा है कि वे स्वयं इस बात को देखेंगे कि उम्बा गांव से सभी पीड़ित परिवारों को या जितने भी वहां पे जनजातीय परिवार हैं इन सभी परिवारों को जिनके पास अभी तक आवास नहीं मिला है उन्हें तत्काल आवास वे लोग एक महीने के अंदर उनका सर्वे करते हुए उन्हें आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। शौचालय उपलब्ध सामान्य क्षेत्रों में ये आवास की राशि 1,20,000 है लेकिन सोनभद्र की जिससे यह 1,30,000 है तो यह बढ़ी हुई राशि के अनुसार ही उन्हें आवास की व्यवस्था एक शौचालय की व्यवस्था मनरेगा के 90 दिन की मजदूरी के बराबर मजदूरी भी उन्हें उसके साथ मिलनी चाहिए यह व्यवस्था एक तो सुनिश्चित कराने के लिए पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही पूरे सोनभद्र जनपद के अंदर अनुसूचित जनजाति और मुसहर जाति से जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं जिनके पास आवास नहीं है एक वर्ष के अंदर उसका सर्वे करा करके उन सभी परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध हो और ये आवास अनिवार्य रूप से वहां पर नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उन आवास को राशि उनके खाते में लाभार्थी के खाते में जाए और उनसे वे आवास बनाने की कार्रवाई भी संपन्न कर दी जाए। साथ साथ आवास के साथ शौचालय हो विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन हो रसोई गैस का कनेक्शन हो राशन कार्ड हो 60 साल से ऊपर के जितने भी ऐसे वृद्धजन हैं जो निराश्रित हैं कोई देखभाल करने वाला नहीं है उन्हें वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित करने विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन उपलब्ध कराने और दिव्यांग जनों को भी दिव्यांग पेंशन उपलब्ध कराने की पूरी सोनभद्र जनपद में एक अभियान चलाकर के इस कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए हैं। जनजातीय क्षेत्र होने के नाते यहां पर कुपोषण की भी एक समस्या है। 200 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां पर अभी आंगनबाड़ी नहीं है। मैंने जिलाधिकारी से इस बारे में कहा है कि उन सभी गांवों में बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालय में या फिर ग्राम समाज में ही एक कोई एक जगह जहां पर सभी लोग आ सकते हों आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना भी एक वर्ष के अंदर करने की तैयारी हो। यहां पर अभी आश्रम पद्धति के 4 विद्यालय पूर्व में संचालित हैं। जनजातीय क्षेत्र होने के नाते बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते नहीं या उनको प्रेरित करने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। दो जगह चिन्हित करते हुए एक बालिकाओं के लिए और एक बालकों के लिए रेजिडेंशियल विद्यालय उनके लिए संचालित हो सके जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ साथ जितनी भी अनुसूचित जनजाति आपके सोनभद्र जनपद में है उनको तो हम कवर करेंगे साथ साथ मुसहर जाति के लोगों को भी कोल जाति से जुड़े हुए लोगों को भी उसके साथ कवर उनके साथ हम लोग कवर करेंगे और यह व्यवस्था उसके साथ जोड़ करके यह भी अगले वर्ष तक ये इस प्रारंभ हो सकें
हमें इसके लिए आवश्यकता पड़ती है तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का भी उपयोग करते हुए हम इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसके साथ ही यहाँ पर जो नौजवान पढ़ लिख गए हैं उन लोगों के लिए रोजगार का बेहतर साधन हो सके, उनके हुनर को एक मंच मिल सके, इस दिश से यहाँ पर 3 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर, ऐसे 3 सेंटर यहाँ पर स्थापित करने के लिए मैंने यहाँ पर जमीन चिन्हित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कहा है, जिससे इन सभी लोगों को किसी न किसी प्रकार के रोजगार और आर्थिक स्वावलंबन के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयंसेवी समूह गठित करके उन्हें भी हम लोग स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की, सिलाई कढ़ाई का है, पत्तल बनाने का है, क्राफ्ट के क्षेत्र में हो या अन्य तमाम प्रकार के अन्य उसके साथ भी लोग जुड़ सकते हैं, उस दिश से भी हर ग्राम पंचायत को हमें कवर करना चाहिए। यहाँ पे लगभग 100 के ऊपर ऐसे मजरे अभी बचे हैं जो विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो पाया है और इसके लिए भी आदेश दिया गया है, प्राथमिकता के आधार पर वन्य अधिनियम का पालन करते हुए अगर विद्युतीकरण का कार्य हो सकता है तो इसका प्रस्ताव तत्काल बना करके भेजें। अगर विद्युतीकरण के कार्य करने में समस्या है और अभी समय लग सकता है तो उन सभी परिवारों को, उन 100 से अधिक जो मजरे बचे हैं, उन मजरों में प्रत्येक परिवार को एक एक सोलर पैनल उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश इसको उपलब्ध करवाएगा और इसमें प्राथमिकता के आधार पर इसको आगे बढ़ा दें। जनजातीय परिवार, हर वंचित परिवार, चाहे वो मुसहर हो, कोल हो या यहाँ के जितने भी ट्राइब्स हैं, इन सभी परिवारों के पास अनिवार्य रूप से राशन कार्ड हो, राशन कार्ड अभियान चला करके उन्हें उपलब्ध करवाया जाए। हर एक के पास राशन कार्ड होना चाहिए, हर एक के पास आयुष्मान भारत का कार्ड होना चाहिए। अगर आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था अवश्य की जाए और इसके लिए वे लोग अपना प्रस्ताव बना करके देंगे तो इसमें हम लोग पूरी व्यवस्था इनके साथ इनको उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। हमने वहाँ पर, मैंने पहले भी बताया कि मृतक परिजनों को सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से और SC ST अधिनियम के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग से जो धनराशि मिलती है, इस राशि को हमने बढ़ा करके अब 18.5 लाख कर दिया है। 18.5 लाख उन परिवारों को उपलब्ध होंगे जिसमें 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता कोष से हम उपलब्ध करा रहे हैं और 8.5 लाख रुपए उन्हें उस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध होंगे और फेस वाइज मिले 8.25 होगा, 50,000 रुपए और वृद्धि करके उसको करवाएंगे। इसके अलावा घायलों को 50,000 रुपए SC ST अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध होंगे, 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ साथ उनके निःशुल्क उपचार की व्यवस्था भी हम लोग उन सभी परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे। पूरे बिंद क्षेत्र को, सोनभद्र जनपद को, मिर्जापुर जनपद को एक व्यापक कार्य योजना यहाँ के लिए हम लोग तैयार करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ किए हैं और इसमें जिन ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल की योजना पहुँच नहीं पाई है उसकी भी कार्य योजना को तैयार करने के लिए आदेश दिए गए हैं कि बिंद क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत में पेयजल की व्यवस्था, क्योंकि सरफेस वाटर है लेकिन सरफेस वाटर को हम लोग घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी कर सकें, इसके लिए एक कार्य योजना इन क्षेत्रों में मिलनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 3-4 विधानसभाएं हैं और तहसील 3 हैं और रावर्ट्सगंज तहसील में 796 गांव हैं
रावर्सगंज और दुगती को मिलाकर के रावर्सगंज को ही लेकर के अगर हम देखेंगे तो एक नई तहसील यहां बन सकती है ओबरा के नाम पर। एक नई तहसील का प्रस्ताव मैंने जिला प्रशासन से मांगा है जिससे यहां पर एक नई तहसील बन सके और दो नए विकास खंड एक घोरावल आदि से मिलाकर के बनेगा कोन और चौपन और उससे आसपास के उस जो भौगोलिक क्षेत्रफल से काट करके कर्मा, ये दो नए विकास खंड भी यहाँ पर बनाने का प्रस्ताव ये लोग शासन के पास उपलब्ध कराएं और इस पर पूरी कार्रवाई करें। इसके अलावा इस पूरे जनपद में जमीन संबंधी जितने विवाद हैं उनकी समीक्षा जिलाधिकारी स्वयं कर लें। मैं स्वयं राजस्व परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम गठित करने वाला हूं जो यहां पर 1952-53 से जो खेल खेला गया है जिसका शिकार यहां का वनवासी समुदाय, यहां का गरीब, यहां का वंचित और यहां के वे सभी लोग जो यहां पर परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं वे लोग सर्वाधिक इसकी चपेट में आए हैं, उन सभी मामलों की जांच करने के लिए एक कमेटी उनकी अध्यक्षता में भी हम लोग गठित अलग से करने जा रहे हैं। पूरे सोनभद्र जनपद के अंदर जमीन की पूरी मैपिंग करने, इसमें फॉरेस्ट की लैंड का भी होगा और साथ साथ इसमें सरकार जनजातीय समुदाय गरीब वंचित दलित इन सबके हितों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी को भी हम उनके हकों के साथ या उनके हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट कतई नहीं देंगे। इस दृश्य आज मेरा यहाँ पर इस जनपद का दौरा मुझे मैं विशेष रूप से करने के लिए आया हूँ। यद्यपि मुझे इस दौरे को मैं पहले 18 को कार्यक्रम अपना बना रहा था लेकिन उस दिन चूंकि डेड बॉडी उस दिन उनको प्राप्त हो पाई थी तो और उस दिन सायंकाल तक ही वह अंतिम संस्कार की कार्रवाई प्रारंभ हो पा रही थी इसलिए उस दिन मैं समय नहीं उस दिन उचित नहीं समझा और इसके बाद प्रशासन को मैंने पहले उन सभी के उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। कमेटी की रिपोर्ट मैंने तब तक मांग ली थी और आज फिर मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। गाँव में भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, हॉस्पिटल में भी उन परिवार वालों से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और हम इस बात को कह सकते हैं कि किसी भी गरीब, किसी भी वंचित, किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की उनके स्वयं की रक्षा करना और उनके हितों को संवर्धन करना इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के अंतर्गत आज मैं स्वयं यहाँ का दौरा करके इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए ही मुझे आज यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। धन्यवाद जी। सर्वे के दौरान मूल निवासी आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों द्वारा अपने नाम करा लिया गया है, जब मानसून आता है तो बवाल बढ़ता है, उस पर आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? मैंने अभी अभी तो दो कमेटी, एक कमेटी तो हमने कुंभा सतही और मूर्तिया गांव के लिए गठित की है अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में। 3 सदस्यीय कमेटी है जो 1952-53-54 में जो खेल खेला गया था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उसका पर्दाफाश करते हुए 1989 में यानी 55 में एक ट्रस्ट के नाम पर ग्राम सभा की बंजर भूमि को करना और उसके बाद 1955 में उसको एक ट्रस्ट के नाम पर करने के साथ ही 1989 में अन्य लोगों के नाम पर कर देना, उन नेताओं के परिवार के सदस्यों के नाम पर उस भूमि को कर लेना, इन सभी प्रकरणों की जांच करने के लिए हमने एक कमेटी गठित की है। दूसरा, राजस्व से संबंधित मामले में प्रदेश के अंदर राजस्व परिषद सबसे बड़ा बोर्ड होता है तो राजस्व परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में ही एक कमेटी हम पूरे सोनभद्र के लिए ही गठित करने जा रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रकरण यहाँ पर हैं और ये संज्ञान में मेरे आज आया है जब फिर यहाँ पर इसकी गहराई पे मैं गया हूँ तो इन सभी मामलों की तह में हम लोग जाएंगे और कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं होगा हम बख्शेंगे नहीं। यहाँ के जनजातीय समुदाय, यहाँ के गरीबों, यहाँ के वंचितों का हक
उन्हें उपलब्ध करा करके हम लोग रहेंगे और ये निश्चित हम ये कार्य बहुत मजबूती के साथ करने जा रहे हैं। है देखिए, इसीलिए हमने आज एक पुलिस चौकी वहां पर दी है और एक पुलिस चौकी के साथ साथ आज यहां पर दो नए ब्लॉक, एक नई तहसील और घोरावल में हम लोगों ने एक फायर स्टेशन भी दिया है। ये इसी क्रम को आगे बढ़ाने का एक वो है। स्वाभाविक रूप से क्षेत्रफल ज़्यादा है, आबादी कम है, जनजातीय क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र भी है, वन है और भी तमाम बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बड़े जनपदों में है, इसलिए उस क्षेत्रफल को कम करने के लिए ही ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पर हम लोग सर्किल, पुलिस के भी सर्किल को बढ़ाएंगे कि जो अभी डिप्टी एसपी की एक नई नियुक्ति यहाँ पर हम लोग करेंगे, कुछ नए अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति करेंगे। आने वाले समय में यहाँ पर अन्य कार्यक्रमों को भी तेज करेंगे जो यहाँ संवाद के साथ साथ समस्याओं के लिए, समाधान के लिए भी प्रभावी होगा। हाँ, मैं इसकी भी हम इसके लिए भी हम जांच करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर एंटी भू माफिया टास्क फोर्स में हम लोगों ने 54,000 हेक्टेयर लैंड भू माफियाओं के कब्जों से मुक्त कराया। सोनभद्र की दिशा से भी मैं इस बात की जांच करूंगा कि सोनभद्र में कितना हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें तो भू माफिया, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का ही मामला बनता था और इस प्रकार के भू माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि 17 जुलाई की घटना ये सीधे सीधे भू माफियाओं के द्वारा दबंगई का एक दुस्साहसिक प्रयास है और इस प्रकार की घटनाओं को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा, बहुत सख्ती के साथ उसको किया जाएगा। मैंने कहा ना, हाँ, इसीलिए अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है कि बंजर भूमि, ग्राम पंचायत की बंजर भूमि जिसको वहां के वनवासी जोते बोते आ रहे थे, वह कैसे किसी एक निजी सोसाइटी के नाम पर हो जाता है, फिर सोसाइटी की भूमि कुछ चंद लोगों के नाम पर कैसे हो जाती है, सब जांच का विषय है और इस पर 10 दिन के अंदर हम हाँ मेरे पास मामला हाँ मेरे पास आया है, जमीन का मामला है, आप लोग आप चिंता मत करिए, ये सारे संज्ञान में है। आप लोग मुझे भी एंटी माफिया टास्क फोर्स पर भी आप लोग इसके बारे में अवगत कराएं, इसके अलावा लिखित रूप में भी आप अवगत करा सकते हैं और इन्हीं सब मामलों को लेकर के राजस्व परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक अलग कमेटी हम केवल सोनभद्र जिले के लिए गठित करने जा रहे हैं। ओ पापा जी, 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है? नहीं बस रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक